गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हमने अभी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में, उसी को आगे रखते हुए हमने जब फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी उसमें बता रहे थे कि वो पार्ट किसका है, एक बजट का पार्ट है जिसमें एक बताया जाता है कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेक्टेड रिसीट्स कितनी होंगी। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट होते हैं, उनमें से कुछ तीन तरह के बजट होते हैं, आउटकम बजटिंग, जीरो बजटिंग एंड जेंडर बजटिंग। आउटकम बजटिंग का क्या डिफरेंस है हमारे जो नॉर्मल बजट होता है? सपोज करो कोई हमने हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवानी है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एलोकेट करेगी पैसा, जितना भी कोई भी मिनिस्ट्री मांगेगी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हॉस्पिटल। वो सिर्फ एलोकेशन तक का काम होगा, किसके अंदर, बजट के अंदर। वो उतना काम है एक नॉर्मल बजट का। आउटकम बजटिंग में क्या फ़र्क है? आउटकम बजटिंग में देखा क्या जाएगा, अगर हॉस्पिटल के लिए पैसा आपने दिया है या रोड्स के लिए पैसा आपने दिया है, किसी भी चीज़ के लिए अगर कुछ पैसा दिया जा रहा है बजट में से निकाल के, तो उसका क्या निकलना चाहिए? एक आउटकम निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? एक आउटकम निकलना चाहिए, दैट शुड बी अ स्पेसिफिक वन। जैसे अगर मैंने किसी डिस्ट्रिक्ट में या रूरल एरिया में एक हॉस्पिटल खड़ा करा है, तो मैं एक्चुअल में क्या चाहूंगा, मेरा आउटकम क्या निकले, कि उस एरिया की हेल्थ क्या हो, इंप्रूव हो। एरिया की हेल्थ क्या हो, इंप्रूव हो। तो ये किसका पार्ट हो गया? एक आउटकम बजटिंग का। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल भी करिए और साथ के साथ उस एरिया की हेल्थ भी क्या हो, इंप्रूव हो। सिमिलरली इन द केस ऑफ रोड्स, अगर मैं रोड्स बना रहा हूं तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो, आने वाले टाइम में बड़ा हो और उसमें आउटकम दिखे। तो ये जब सारी चीजें हम करते हैं बजटिंग के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, आउटकम बजटिंग। और ये ड्यूटी किसकी बनेगी अगर हम आउटकम बजटिंग को फॉलो करेंगे? तो जो जो प्रोस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज हैं जिनके अंडर उन्होंने एलोकेशन करी है, उनके जो हेड्स हैं, जो उन पोर्टफोलियो को हेड्स कर रहे हैं, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करें कि इफ ऐसा कुछ हम पैसा एलोकेट कर रहे हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी एसेट क्रिएट कर रहे हैं, तो रादर हम चेक करें कि उसकी कुछ आउटकम भी निकले। लाइक इन द केस ऑफ हॉस्पिटल्स, एरिया ऑफ अ हेल्थ शुड ऑल्सो इम्प्रूव। पहला हमारा था कौन सा, ये आउटकम बजटिंग। दूसरा हमारा क्या है, जीरो बेस बजटिंग। एक जब नॉर्मल बजट होता है ना, तो पिछले साल का हम एक्सपेक्टेशन चेक करते हैं कि कितना पैसा एलोकेट किया गया था। सपोज करो एमजी नरेगा एक स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। एमजी नरेगा क्या है, एक स्कीम है। इसके लिए सपोज करो कुछ पैसा एलोकेट किया गया था 2018-19 में, कुछ 100 करोड़ एलोकेट किया गया था, ठीक है। जब 2019-20 का बजट आएगा, तो जो बजट में एलोकेशन होगी इसके लिए, इस एमजी नरेगा स्कीम के लिए, उसको ध्यान जब हम एलोकेट करेंगे पैसा, तो ये 100 करोड़ को बेस बनाएंगे। 100 करोड़ को क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे कि पिछले साल हमने इसके लिए एलोकेट इतना किया था, तो इस साल हमें कितना एलोकेट करना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, बजटिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पिछले जो साल का बजट है उससे कुछ क्ल्यूज लेके। जीरो बजटिंग क्या कहती है, कि अगर आपने सपोज करो इस साल एमजी नरेगा स्कीम के लिए कुछ पैसा एलोकेट करना है, तो आपको ये बिल्कुल भूल जाना होगा कि पिछले साल कितनी एलोकेशन हुई थी। पिछले साल की एलोकेशंस आपको क्या कर जानी है, बिल्कुल ही भूल जानी है, रिलेटेड टू व्हाट, एमजी नरेगा स्कीम। कि आपको कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट करनी है, तो आपको प्रॉपर एक स्पेसिफिक और एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उसकी तरफ एलोकेशन करनी पड़ेगी, पूरे उसके अंदर R&D करके, कि इस साल एक्चुअल में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है जब भी हमें एलोकेट करना है इस एमजी नरेगा स्कीम्स के लिए। और हम क्या मानेंगे, पिछले साल इसके लिए कोई भी पैसा एलोकेट नहीं हुआ था, एलोकेशन फॉर द स्कीम इन द प्रीवियस बजट वॉज जीरो। इन दैट सिनेरियो हम क्या कहते हैं, हमने बजट जो बनाया है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है और इस साल एक नया बजट पेश कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी क्ल्यूज फ्रॉम द प्रीवियस बजट। ये एक डिफरेंस हो जाता है एक नॉर्मल बजट के बीच में और किसके बीच में, जीरो बेस बजटिंग। थर्ड जो हमारा आता है, दैट इज जेंडर बजटिंग। ये बहुत एक सिंपल है कंसेप्ट, इंट्रोड्यूस हुआ था ऑस्ट्रेलिया से 1980s में। होता इसमें यह है कि जब हम बजट बना रहे हैं तो हमें स्पेसिफिक स्कीम्स बनानी चाहिए, किसके लिए, वुमेन के लिए, और उनके लिए पैसों की एलोकेशन करनी चाहिए, फॉर वुमेन एज वेल एज मैन। अगर हम बता रहे हैं कि एमजी नरेगा स्कीम के लिए 100 करोड़ पैसे की जरूरत है, तो हमें बताना पड़ेगा कि 60 करोड़ हम एलोकेट वुमेन के लिए कर रहे हैं, 40 करोड़ कितने कर रहे हैं, मेन के लिए। तो हमने बजटिंग क्या कर दी, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इस चीज को हम क्या कहते हैं, जेंडर बजटिंग।
तो ये तीन तरह की बजटिंग होती है जिसको हमने अभी डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस टर्म्स एसोसिएटेड विद फिस्कल पॉलिसी, लाइक फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल ड्रैग और क्राउडिंग आउट इफेक्ट जैसी कुछ टर्म्स को हम एलैबोरेट तरीके से पढ़ेंगे ताकि फिस्कल पॉलिसी का हमारा कंसेप्ट क्या हो जाए बिल्कुल एक्चुअल में क्लियर हो जाए. थैंक यू.